जो लोकतंत्र है खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं आशुति वोरा, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद अब सभी नेता राजनेता 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। सभी नेता अब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और अपने अपने कार्यों से जनता को लुभाने की कोशिशों में जुट रखे हैं। सीधे तौर पर कहें तो अपना वोट बैंक बनाने में लग गए हैं। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम बेहद चर्चा में बना हुआ है। कारण, दरअसल खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 24 दिसंबर को वाराणसी में होने वाली रैली को रद्द कर दिया गया है। आखिर क्यों उनकी रैली रद्द हुई है और इसके पीछे की आखिर असल वजह क्या है, ये बताएं इससे पहले पूरा मामला जान लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री ने वाराणसी के रोहिणिया विधानसभा क्षेत्र में रैली करने का निर्णय लिया था, लेकिन उससे पहले ही वाराणसी में होने वाली नीतीश कुमार की इस रैली को प्रशासन द्वारा रद्द कर दिया गया। उनकी रैली को लेकर राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल भी देखने को मिल रही थी। हाल ही में बिहार की सत्ता पार्टी जेडीयू ने दावा किया कि स्थानीय प्रशासन द्वारा जनसभा की अनुमति न मिलने की वजह से इसे रद्द किया गया है। हालांकि इससे पहले खबर थी कि उनकी व्यवस्थता के कारण सभा को रद्द किया गया है, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक अलग ही मोड़ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में अब बुलडोजर का एंगल सामने आया है। पता चला है कि नीतीश कुमार की राह में उत्तर प्रदेश का बुलडोजर रोड़ा बन रहा है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस मामले पर पूरी जानकारी दी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर तंज कसा। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको बताएंगे। पहले वाराणसी के एक इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री की सभा की अनुमति मिली थी, अब उस कॉलेज के व्यवस्थापक कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री की सभा हुई तो उनका नुकसान हो जाएगा। कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि हमारे परिसर में मुख्यमंत्री की रैली हुई तो भवन पर बुलडोजर चल सकता है। अब हम जनता से पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की सभा होनी चाहिए या नहीं। जनता की अनुमति मिलने के बाद ही सभा के लिए जगह और तिथि को तय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तानाशाही चल रही है। हमारी सार्वजनिक सभा आयोजित करने की अनुमति ना देना सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या है। वहाँ पर 5 दिन के बाद ये बात बताई गई कि अब वहाँ पर आपको सभा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जब कारण पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि हमारे ऊपर दबाव है, बुलडोजर चलने की बात कही जा रही, चलाने की बात कही जा रही है, यानि उस सभा स्थल को नहीं देने के लिए व्यवस्थापक पर दबाव डाला जा रहा है, उसको भयभीत किया जा रहा है। तो इस तरह से जो लोकतंत्र है खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी की, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, लोकतंत्र खत्म करना चाहती है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सभा करने नहीं देना चाहती है। हालांकि इसके बाद उन्होंने इस बात का संकेत भी दिया कि 2024 के जनवरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली की सभा हो सकती है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर और यूपी सरकार के इस एक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।